नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 24 न्यूज। आगामी चैत्र नवरात्रि के त्यौहार को लेकर अपर जिलाधिकारी व एसपी सिटी के द्वारा की गई बैठक। जनपद मिर्जापुर में सुप्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी धाम में होने वाले आगामी चैत्र नवरात्रि को लेकर अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ला, अपर पुलिस अधीक्षक नगर संजय कुमार वर्मा, नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह, सीओ सिटी प्रभात राय के द्वारा जनपद के आला अधिकारियों व विंध्य पंडा समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी के साथ जिलाधिकारी सभागार में बैठक सम्पन्न हुई। पेशा मिर्जापुर से सुधीर सिंह की खास रिपोर्ट। बैठक की गई थी नवरात्रि को लेके, क्या बैठक का था पूरा उद्देश्य? आज दो बैठकें हुई हैं, एक कलेक्ट्रेट में हुई है और एक यहाँ पर जिला पंचायत के सभागार में हुई है। दोनों का उद्देश्य कमोबेश एक ही था, लेकिन ये चूंकि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। होली ये भी आपके 18 तारीख को आने वाली है, उसी दिन को शब बारात भी है, उसी दिन को शुक्रवार भी है, जुमा भी है और साथ साथ होली भी है। तो संवेदनशीलता को देखते हुए ये पूरे मिर्ज़ापुर जनपद के लोग यहाँ पर बुलाए गए थे। इसमें एडीएम साहब और हम लोग सभी अधिकारी शामिल हुए थे, सभी सीओ साहब थे, एसडीएम थे और थानाध्यक्ष वगैरह भी थे। तो बस इतने मैसेज देना था कि जो समस्याएं हों वो लोग अवगत कराएं, कहीं कोई बात छूट रही हो अवगत कराएं। बाकी पीस कमेटी की मीटिंग वगैरह थानावार हो चुकी हैं और होलिका दहन को लेकर कहीं पर आई बातें कि जैसे कि तार के नीचे रखा हुआ है या पेट्रोल पम्प के पास रखा हुआ है या कोई ऐसे स्थान है जहाँ पर संवेदनशील है, जैसे आही गांव एक पड़ता है कछुआ में, वहाँ पर आया कि वहाँ पर पहले पूर्व में दो वर्गों के बीच में कुछ विवाद रहा है। तो उन्हीं विवादों के संबंध में आज वार्ता की जा रही थी और तदनुसार पहले ही, होली के पहले ही या त्यौहार के पहले ही उसका समुचित समाधान करने का प्रयास किया जा रहा था। जनता के माध्यम से सूचनाएँ लेकर के और तथा प्रशासन और पुलिस दोनों आपस में जनता के सहयोग से समस्याओं का निदान करके, ताकि कोई त्यौहारों के संबंध में कोई समस्या ना हो, कम्युनिकेशन गैप की स्थिति ना हो। कम्युनिकेशन गैप से ही समस्याएं पैदा होती हैं। बाकी हम अपना मैसेज दे रहे हैं, अपील कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से सौहार्दपूर्ण ढंग से त्यौहार मनाएं, किसी का कोई हस्तक्षेप ना करें। अगर कोई कोई त्रुटि भी हो जाती है तो उसको निश्चित तौर से प्रशासन को अवगत कराएं, ताकि उसका समय पर निदान किया सके। बाकी हम लोग प्रयास करेंगे कि ऐसे अराजक तत्व की सख्त कार्रवाई हो तथा पूरे त्यौहार को, जुलूसों को सबसे संपन्न कराने के लिए ड्यूटियाँ वगैरह भी लगाई जा रही हैं तथा हम लोग उस पर सत्तापूर्वक उसको संपन्न कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।